हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इनिश्री। तो आज के स्टूडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ 15th MCQs ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, यानी मेटल एंड नॉन मेटल के 15th MCQs लेकर आया हूँ, जो कि NCERT एग्जाम्पलर से मैं लेकर आया हूँ। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट CBSE NCERT एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन को पुटअप करके पूछ सकती है। एंड ये बहुत ही बेसिक भी होता है और आपके नॉलेज को चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और भी वीडियोस बनानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाई मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी मेटल के द्वारा शोन नहीं की जाती है? तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत स्टार्टिंग में मैंने अपने लेक्चर में बता दिया था। तो आई होप कि अपने आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका आंसर है सी। जिन्होंने भी सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ को भी ध्यान दिया है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इंटू थिन वायर इज नोन एज। ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है मेटल की। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कमेंट करिए। अभी कभी अपने नोटबुक में नोट करिए सब MCQs। डक्टिलिटी कौन सी है? डक्टिलिटी। और मेलिबिलिटी कौन सी होती है? जो सीट में कन्वर्ट की जाए। सोनोरसिटी क्या होती है? जो कि साउंड प्रोड्यूस हो। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, मतलब फ्लो करे। थर्ड क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग मतलब कि रीड करिए और उसका आंसर कमेंट करिए, या तो अपने नोटबुक में इसको नोट करिए। तो वीडियो आई होप कि अपने लोग में से बहुत लोग पॉज करके इसका आंसर भी दे दिए होंगे। तो इसमें से दो ऑप्शन आपको सही करना है, तो दो ऑप्शन इसमें से सही है लगभग। तो इसमें का आंसर है फर्स्ट और फोर्थ, ठीक, ये आंसर है आपका। जिन्होंने भी सही जवाब दिया, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन लोग को टाइम की थोड़ी सी मैनेज करने में दिक्कत होगा, क्योंकि टाइम भी इस बार कम है और क्वेश्चन जल्दी हमारे में गलत नहीं करना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ये तो मेटल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी और मेटल में भी था, जो रिएक्टिविटी सीरीज था उसमें, उसके बाद वाले टॉपिक में। तो बहुत सारे लोग ने आंसर दिया होगा इसका भी। इसका आंसर है आपका डी, आयरन। अब ये किससे रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है स्टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जल्दी से आप मतलब कि रीड करिए और उसका ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप इसको टेस्ट मान के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप छोटे छोटे टेस्ट से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती रहती है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग ने इसका आंसर दिया होगा, और इसका आंसर है 3, मतलब सी, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़कर इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What happen when calcium is treated with water? क्या होता है जब कैल्शियम वाटर साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब रिएक्ट होता है? तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन सही है इसमें से, और नीचे वाले में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आई होप कि आपने भी इसका आंसर दिया होगा। इसका आंसर है डी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। जब कैल्शियम वाटर से मतलब रिएक्ट करता है तो लेस वायलेंटली विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं इस कैल्शियम सरफेस पर। ये सब आपने इसको नोटिस किया होगा कि NCERT एग्जाम्पलर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन किस में से बना है, किस बेसिस पर? एग्जाम्पल्स के बेसिस पर बना है। तो एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से आप याद करिए। आप जितने भी एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो उतने याद करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और NCERT में के भी तो एक भी एग्जाम्पल आप मत छोड़िए, और उसके बारे में पूरे हिस्ट्री जानते रहिएगा। तो आई होप कि आपने से बहुत लोग 7th क्वेश्चन का भी आंसर दे ही दिए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वन लाइन में क्या क्या पूछा जा सकता है, और आप लोग में से कौन कौन से कैच कर पाते हैं वो वन वर्ड वाला आंसर।
तो HNO3 इसका आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वर एज या एज, ये देख रहे हैं आप, डू यू नो, मतलब कि डू यू नो जो येलो कलर के बॉक्स में आता है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या तो CBSE किस हद तक क्वेश्चन पूछ सकती है, कहाँ कहाँ से वो खोज खोज कर पूछ सकती है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, 3:1 में मिक्स किया जाता है तब एक्वर एरिया होता है। अब इसके वर्क को भी आप जान लीजिएगा, बुक में लिखा है, आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, इनमें से दो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। अब वो कौन कौन से नहीं है ये आप बता दीजिए। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल था। HCl नहीं है और CCl4 नहीं है, क्योंकि NaCl हमारा साल्ट होता है जो कि आयनिक कंपाउंड है, और KCl हमारा भी साल्ट होता है जो कि आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें क्या ऑप्शन आप में से सेलेक्ट ही कर ही लिए होंगे, इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जिसमें दूसरा और तीसरा ना हो, यानी कि बी आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एक्साइबिटेड बाई आयोनिक कंपाउंड, तो थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग आंसर दे पाते हैं। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 11th क्वेश्चन, और इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, तो इसमें बोलिए आपकी इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो इसमें से इसमें सी करेक्ट आंसर है। तो ये दूसरा गोल्ड और सिल्वर हमारे, तो मैंने एक दो क्वेश्चन को स्किप किया है क्योंकि उसमें आपके सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस थे तो वो मैंने नहीं दिए हैं। एंड स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर लाइफ, तो ये किससे मिक्स करके बनता है, आयरन और किससे किससे मिक्स करके बनता है, इसका आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है निकल एंड क्रोमियम, तो इस इन दोनों से मिक्स करके बनता है ये। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो का, कि एक टाइप के आप एग्जांपल्स को एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करिए, डिफिनेशंस पे उतनी फोकस मत करिए जितना आपको एग्जांपल्स पे, रिएक्शंस पे और उसमें कैटलिस्ट पे, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टिविटी पे, ये सब पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करिए, आपका नंबर ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।